जो है इनका ऑरेंज जो कलर था यानी कंप्लीट हो चुका है, और अब दूसरे में जो है ये ग्रीन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जीटी बर्ड्स ट्रेनर में आपका स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो हमारे कबूतर है इनको यानी इंडियन फ्लैग यानी ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इनके बॉडी पर बना करके दिखलाएंगे। देखिए किस तरीके से अभी मतलब पूरे पूरे व्हाइट व्हाइट लग रहे हैं, लेकिन इनका यानी बॉडी पर अभी पूरी तरीके से यानी कलर करेंगे। सो फ्रेंड्स, कौन सी कलर करने वाले हैं सो वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे तरफ वीडियो की तरफ बनते हैं। तो बनाने के लिए ये हमारे यानी दो कलर से लगाएंगे, और तीसरे पर ये है जो यानी पूरे यानी गोल जो चौका है बनाना है उनके लिए ये कलर आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सस्ती है, जो यानी 15 रुपये के आसपास कोई भी आपको यानी दुकान शॉप पर यानी मिल जाएंगे। सो ये आपको लेना है, ये देख सकते हैं, ये मतलब नॉर्मल किसी भी दुकान में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अब इनको फाइनली अभी इनको कलर करने के लिए चले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। फर्स्ट में ये हमने इनको यूँ निकाल लिया हूँ, ये रहे ऑरेंज कलर। अब इनको इस तरीके से निकाल लेना है, और हमारे पीसन को पहले बुला लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मैंने कबूतर को यहाँ इस तरीके से पकड़ लिया हूँ। अब जो है इनको इस तरीके से लेटा देना है, और इनका जो पर है वो इस तरीके से यहाँ इस तरीके से बिछाना है, फिर उसके बाद यानी पूरी तरीके से यहाँ कलर होंगे। लेकिन बेहतर होगा कि यानी कोई चीज़ यहाँ पर बिछा दूँ, उसके बाद यानी अच्छे तरीके से इनका कलर कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी इनके लिए थोड़ा सा यानी बेड तैयार कर रहे हैं, ताकि इनको लेटा करके पूरे अच्छी तरीके से इनका मतलब यानी कलर करने के लिए सहूलियत हो। सो यानी इनके लिए अभी बेड पूरा तैयार है। अब ये हमारे कबूतर को इस तरीके से लेटा दूंगा, और उसके बाद ये इनके पर जो है इस तरीके से खुले रहेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी यानी इसमें से ये जो पन्नी से यानी सील रहता है उनको निकाल लेना है, और इस तरीके से यानी रुई की तरह धागे से आएंगे। सो इनको निकाल लेना है, और उसके बाद इस तरीके से पकड़ा हूँ, और इस तरीके से हल्का हल्का करके यानी कलर को मारते जाना है। सो गाइस, फाइनली अभी जो है इनका ऑरेंज जो कलर था यानी कंप्लीट हो चुका है, और अब दूसरे में जो है ये ग्रीन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब ये पुराने वाले जो फेदर है, बड़े वाले फेदर, इसमें थोड़ा सा कलर जो है ना कम लग रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे फेदर है इसमें यानी अच्छी तरीके से कलर पकड़ रहे हैं। सो हमारे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि दो आदमी तीन आदमी एक कबूतर को पकड़ने में लगते हैं, क्योंकि इनके जो पर होते हैं या थोड़े से बड़े होते हैं, कहीं थोड़ा सा यानी घबरा भी जाते हैं, और फिर थोड़ा सा यानी पर को हिला डुला भी रहे हैं, जिसका कारण थोड़ा सा यानी परेशानी झेलना पड़ रहा है। सो अब ख़त्म होने के लिए जा रहा है, इसलिए ज़रा सा यानी दो तीन बूंद पानी डाल दे रहा हूँ, ताकि यानी कलर अच्छी तरीके से लग जाए। सो फ्रेंड्स देखते हैं पूरे यानी अच्छे तरीके से जब तैयार हो जाएंगे, तब इनको फ्लाइंग करके दिखलाएंगे कि मतलब ये किस तरीके से दिखते हैं। सो दोस्तों वीडियो में बने रहें, चलिए आगे तरफ आप लोग को फिर दिखा। फाइनली अभी हमारे जो यानी कबूतर हैं उनका यानी पूरे अच्छी तरीके से यानी इनका कलर हो चुका है। सो हमने तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब यानी कोशिश की, लेकिन उतना अच्छा उतना कोई खास नहीं बना, बट बन तो गया है। चलिए इनको थोड़ा सा नीचे रख करके विसलिंग करके बुलाता हूँ, देखिए किस तरीके से ये दिख रहे हैं। फ्रेंड्स अभी आने रहे, जिसका कारण ये है कि मतलब उसको बहुत देर तक यानी लेटा करके रखा है, जिसका कारण थोड़ा सा यानी डर चुके हैं, घबरा रहे हैं। चलिए कोई बात ना है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आदाब।